पता है वो वाला गाना याद आ रहा है, वो घड़ी जिसका था इंतजार, लीजिए वो घड़ी आ गई आ गई आ गई, आई मीन समथिंग ऑन दोज लाइंस गाना है ना, बिकॉज मनी हाइस्ट का नया सीजन आ गया आ गया आ गया, और आ गया तो उसका रिव्यू भी आ गया, देख लीजिए। क्या आप भी उनमें से हैं जिन्होंने कल पूरा दिन आराम से बैठकर मनी हाइस्ट देखा? वेल, अगर आप उतने लकी नहीं थे कि कल ये मच अवेटेड शो देख पाए, तो चलिए आज SBS ओरिजिनल्स रिव्यू में हम आपको बताते हैं कि अपना वीकेंड का टाइम मनी हाइस्ट को देना चाहिए या नहीं। आफ्टर अ लॉन्ग वेट, मनी हाइस्ट सीजन 5 का वॉल्यूम 1 फाइनली रिलीज हो गया है, एंड जितना थ्रिल आपने एक्सपेक्ट किया होगा उतना आपको मिलेगा भी। वैसे तो सीजन 5 अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, पर कोविड के चलते ये भी डिले हो गई। पर कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, कॉज मनी हाइस्ट सीजन 5 इज वर्थ ऑल योर वेट। मनी हाइस्ट दो पार्ट्स में रिलीज होगी, एक ऑलरेडी हो चुकी है जिसकी चर्चा हर जगह है, और दूसरा पार्ट लोगों को दिसंबर में एंटरटेन करने आएगा। शो का बैकड्रॉप सेम ही है, पर इस बार आपको काफी नए चेहरे देखने मिलेंगे जिनके कैरेक्टर्स धीरे धीरे बिल्डअप होते हैं। सीजन 5 की कहानी पिछले सीजन से ही शुरू होती है, पर डबल हो जाती है ये प्रॉब्लम्स और उनसे बचने के लिए सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश। जब सारे रॉबर्स रिजर्व बैंक ऑफ स्पेन में फंसे हुए होते हैं, सिचुएशन काफी टेंस हो जाती है। पर इस बार आपको हॉस्टेजेस थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगेंगे इन रॉबर्स से। रॉबर्स हर तरफ से प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, एक तरफ स्ट्रॉन्ग हॉस्टेजेस और दूसरी तरफ मिलिट्री ने उन्हें चारों ओर से घेरा हुआ है। पूरी कहानी इसी पे है कि ये सारे रॉबर्स मिलकर कैसे सबको चकमा देंगे और अपने मकसद में कामयाब होंगे। जहां प्रोफेसर और उनके प्लान से सबको काफी उम्मीदें हैं, इस बार प्रोफेसर खुद अपने दुश्मनों यानी मिलिट्री के कब्जे में आ जाते हैं और सबको बचाने का जिम्मा आ जाता है स्त्री शक्ति पर, यानी हमारे टोक्यो, लेस्बिन और स्टॉकहोम। क्या ये तीन की शक्ति अपने हाइस्ट को कामयाब बना पाती है या नहीं, ये तो आपको सीरीज देखकर ही पता चलेगा। इसी के साथ साथ सीजन 5 में आपको एक बड़ी कुर्बानी भी देखने मिलेगी। अब वो कौन, क्यों और कैसे, ये तो आपको शो में ही देखना पड़ेगा। बात की जाए डायरेक्शन, पेस, कैमरा वर्क और एक्टर्स की एक्टिंग की, तो वो बहुत ही कमाल है। यहाँ डायरेक्टर पुराने सीजन की फील्स देने में कामयाब हुए हैं, पर पूरे सीजन में दो चीजें हैं जो आपको खलती है। पहली चीज तो ये कि ये सीजन आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये वॉल्यूम 1 है तो आपको ये जानने की उत्सुकता तो रहेगी ही कि आगे क्या होगा और कैसे होगा। दूसरी ये चीज कि प्रोफेसर के प्लान्स और एग्जीक्यूशंस मोनोटोनस लगने लगते हैं। स्ट्रेस तो है, पर ऐसी फीलिंग आती है कि सब बनावटी है, कॉज लास्ट मोमेंट पे जाकर सबको सॉल्यूशन मिलने ही वाला है। दो, हम मानते हैं कि कहानी की नीड ये है, पर अगर मेकर्स ने थोड़े और एफर्ट्स डाले होते तो शायद इस मोनोटनी को दूर किया जा सकता था। इन दो माइनस पॉइंट्स की वजह से SBS ओरिजिनल्स मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 1 को 5 में से 3 स्टार्स देता है और उम्मीद करता है कि वॉल्यूम 2 इससे भी ज्यादा एंथ्रिलिंग हो। ओवरऑल अगर आप मनी हाइस्ट के दीवाने हो या नहीं हो, ये सीजन तो देखना बनता है। मुंबई से राज दीक्षित के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।